बाकरगंज में सोने के जेवरात का थोक कारोबार करने वाले एसएस ज्वेलर्स में शुक्रवार को दिन दहाड़े 14 करोड़ 14 लाख रुपए की डकैती को पटना और जहानाबाद के अपराधियों ने अंजाम दिया। घटनास्थल से दुकानदारों द्वारा दबोचा गया अपराधी साधु पुलिस के लिए तुरुप का पत्ता साबित हुआ। साधु से पूछताछ के बाद पुलिस उसे साथ लेकर 36 घंटे से लगातार दबिश दे रही है। साधु मूल रूप से जहानाबाद का रहने वाला है। कड़ाई से पूछताछ में उसने अपने 3 साथियों का नाम और पता उगल दिया, जबकि 2 अन्य की पहचान नहीं बताया है। पुलिस उसे साथ लेकर जहानाबाद, वैशाली, अलवर और पटना के करीब 18 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। मास्टरमाइंड रवि पेशेंट उर्फ मास्टर जी ने होलिया बदल लिया है। पटना सिविल कोर्ट परिसर से फरार होने के बाद उसने अपने चेहरे और हेयर स्टाइल में बदलाव कर लिया ताकि पुलिस उसे पहचान नहीं पाए। पुलिस ने इस मामले में आईपीसी की धारा 397 डकैती के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। इस मामले में दुकानदार संजीव कुमार और उनके बेटे यशराज के बयान पर पकड़े गए अपराधी साधु और अन्य अज्ञात को आरोपित बनाया गया है। वारदात में शामिल 5 डकैतों की गिरफ्तारी के लिए 9 टीमें बनाई गई है, जिनमें से 40 से 45 अधिकारी, जवान से लेकर रंगदारी सेल की टीम है। वहीं डायल 100 की टीम बाकरगंज से गांधी मैदान और ठाकुरबाड़ी रोड पर 101 से अधिक कैमरों को खंगाल चुकी है। देर शाम तक पुलिस साधु के करीबी 13 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो ने बताया कि अब तक जांच में पता चला है कि वारदात में पटना और जहानाबाद के अपराधी शामिल हैं। सभी की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी और सोना बरामदगी में पुलिस जुटी है। जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।